नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आपने यूं तो तीन तलाक के बारे में कई बार सुना होगा। कई बार महिलाएं परेशान होकर पुलिस वालों से गुहार लगाती हैं, लेकिन यहां एक महिला ने पति को दिया है तीन तलाक। क्यों बढ़ रही है तीन तलाक पर तकरार, देखिए ये खास रिपोर्ट। अपनी फरियाद लेकर ये शख्स रीवा के एसपी ऑफिस आया है, गुहार लगा रहा है, साहब इस तीन तलाक को मैं नहीं मानता। यहाँ कहानी जरा अलग है। कोई महिला अपने पति के तीन तलाक देने पर पुलिस वालों से फरियाद करने नहीं पहुँची, बल्कि एक शौहर अपना दर्द दिल बयां करने पहुँचा है। मोहम्मद अजीज को उनकी बीवी ने मोबाइल पर कह दिया, अब तुम से रिश्ता खत्म, मौखिक ही तलाक दे दिया। ये सुनकर शौहर हैरान रह गया। दामाद मोहम्मद अजीज के साथ बेटी की इस बगावत की पिता भी खिलाफत कर रहे हैं। एक बात तो यह है कि मेरी लड़की सारी उम्र गुनाह कर रही है जी, और दूसरी बात यह है सर कि वो बच्चे जो मेरे नाती हैं खून के आंसू रो रहे हैं, उनको जिंदगी उनकी जिंदगी शहर काजी के द्वारा बर्बाद हो गई। दरअसल मोहम्मद अजीज और उनकी बीवी की शादी को 11 साल हुए हैं, दो बच्चे हैं। अब परिवार सवाल कर रहा है कि आखिर बच्चों का क्या होगा। और शहर काजी से हमने इसके फिरियाद लेकर उसके बगले में उसके मतलब ऑफिस में गए, अब बोले कि सर इसका मामला निपटा लीजिए। तो खुद बोला कि अजीज को बोला कि तुम तलाक दे दो, इन्होंने कहा कि मैं तलाक नहीं दूँ दूँ, हम इसको रखूँ कि मेरे बच्चे मतलब खून के आंसू रो रहे हैं। तो शहर काजी ने ये भी बोला कि लाओ डंडा इसकी मार करो, ये तलाक को नहीं देगा। 27 मार्च को महिला ने पति को फोन पर तीन तलाक दिया और तीन महीने बाद शादीशुदा दो बच्चों की मां का काजी साहब ने दूसरा निकाह करवा दिया। वो लड़की कहती थी कि मैं तलाक ही चाहता हूं, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता हूं। तो शहर काजी ने कहा कि जाओ तुम अगर तलाक नहीं दोगे तो मेरा पावर है कि मैं तलाक करके हम इसका दूसरा निकाह करवा दूंगा। इस मामले में तो देखिए शौहर और बीवी जिम्मेदार है। अब हमारे पास जो गवाही आएगी, हमारे पास जो गवाही आएगी शरीयत के दायरे में जो होगी, हमारी बात सुनिए, हमारे पास जो चीजें सामने आएंगी शरीयत के दायरे में, जो हमसे पूछा जाएगा कि ये तलाक इतने इतने मुद्दत में इतने बार हुआ तो क्या ये तलाक दुरुस्त है या नहीं, तो आप बताइए हम क्या जवाब देंगे। हम तो यही कहेंगे ना कि शरीयत के हिसाब से हो गया, और चूंकि कानून भी ऐसा नहीं है कि कोर्ट के अलावा तलाक अवैध है, ऐसा कोई कानून हो तो बताइए, कोई ऐसा कानून नहीं है। काजी साहब की दलील भी सुनिए, जो कह रहे हैं उन्होंने जो किया वो शरीयत के हिसाब से किया। सुनिए ये दलील कि लिखित तलाक अगरचे अजीज ने नहीं दिया लेकिन मौखिक तौर पर कई बार तलाक में दे चुके, उसकी बीवी का खुद बयान, उसके सगे भाइयों का बयान, गांव के लोगों का बयान, और जहां दूसरी शादी की थी उसका भी बयान है, तो तलाक साबित हो चुकी। जब तलाक हो चुकी तो मैंने फिर इनसे कहा कि आपकी मौखिक तलाक हो गई है, लिखित तलाक की जरूरत, ये जरूरी नहीं है कि जब तक लिखित कोई नहीं देगा तो तलाक नहीं होगी। तीन तलाक पर कानून बना है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि काजी साहब ने कानून की ही धज्जियां उड़ा दी। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी कुछ समय पहले एक रेगुलेशन, एक नियम आया है, अधिनियम आया है, जिसमें जो तलाक होगा वो लिखित में होगा, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है जिसको देखना पड़ेगा, क्या उसमें पूरा स्टेटमेंट है, सारी चीज़ों का एनालिसिस करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो नियम कानून है सबको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अनभिज्ञता में भी अगर आप किसी नियम का उल्लंघन करते, किसी कानून का उल्लंघन करते, तभी आप उसमें आरोपी बनते हैं। तो सभी से अपील भी है कि नियम कानून को देख समझ के ही कोई भी स्टेटमेंट दें और कोई भी कृत्य करें। तो तीन तलाक के इस फेर में दो मासूम बच्चे सजा भुगत रहे हैं। सीधी में हरीश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आपने लापता लेडीज मूवी के बारे में तो सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन आज हम रियल लाइफ की लापता गर्ल्स के बारे में बताएंगे, जिसमें शादी का डर इस मिस्ट्री का सेंटर पॉइंट है। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था, आखिर कहाँ उनकी लाडलियां गायब हो गई, कहीं कोई उन्हें बहला फुसला कर तो नहीं ले गया। दमोह के देहात थाना इलाके के सीतानगर और पास के ही गांव बिजौरी से अचानक चार सहेलियों का लापता हो जाना,
चारों सहेलियां दमोह के सरकारी कमला नेहरू महिला महाविद्यालय के लिए निकली थीं। घर में सबने यही कहा था, किताब लौटाने कॉलेज जा रही हैं, लेकिन शाम तक लड़कियां घर नहीं लौटी। इस बात से हड़कंप मचा, कॉलेज प्रबंधन और प्रशासन हरकत में आया। 29 जुलाई को पिछले महीने लगभग 4 दिन पहले सीतानगर से 3 बच्चियां और वहीं सीतानगर के पास बिजोरी ग्राम की एक बच्ची कॉलेज का कहकर अपने दबाव के लिए निकली थी, केन कॉलेज में अध्ययनरत थी। उसके बाद वो अपने घर से बिना बताए चली गई थी कहीं, घर वालों से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था। उसी पर से चारों बालिकाओं के संबंध में मुहसान थाना कोतवाली पर दायित्व थे और उसके बाद फिर उनके तलाश पताल से दस्तयाबी के प्रयास करते। कॉलेज के हर एक रूम को देखा गया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन लापता गर्ल्स का कहीं कोई पता नहीं चला। दरअसल लड़कियां कॉलेज गई ही नहीं थीं। दमोह की कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही थी, दिन बीत रहे थे लेकिन लड़कियों का सुराग नहीं मिल रहा था। घरवालों को शक ये भी हुआ कि कहीं नौकरी दिलाने के बहाने कोई अपने साथ तो नहीं ले गया। चारों बालिकाओं को कल हमने मुंबई से दस्तयाब कर लिया है, सुरक्षित दस्तयाब किया है। बच्चियों के बयान हो गए हैं, बच्चों को द्वारा बताया गया है कि वो अपनी मर्जी से गांव का माहौल होने के कारण घरवाले जो है शादी की बात चल रही थी, बच्चियां पढ़ने वाली हैं, लगभग सभी सेकंड ईयर में आ गई हैं और वो चाह रही थी कि पहले उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वो शादी या इन विषयों पर विचार करेंगे। इस कारण वो चारों बच्चियाँ चली गई थी। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। चार दिन बाद 1022 किलोमीटर दूर मुंबई में दमोह की लापता गर्ल्स का पता चल गया। चारों लड़कियां मुंबई पहुंची थीं, वजह थी शादी का डर। रील मूवी लापता लेडीज के उस किरदार से इन लड़कियों का किरदार मिलता है जो शादी नहीं करना चाहती बल्कि पढ़ना चाहती हैं। घर में शादी का दबाव और लड़कियों ने ये प्लान बनाया कि पढ़ना है तो लड़ना है। हम लोग कॉलेज का बोल के आए थे घर से कि हम लोग कॉलेज बुक जमा करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग डर मतलब कि हम लोगों की घर पे शादी की बात हो रही थी तो हम लोग डर गए थे। हम अलग अलग शादी की बात हो रही थी, हम लोगों को पता चला कि मेरे घर पे शादी की बात हो रही, तो इस वजह से डर के हम लोग सोच रहे थे कि कहीं दूर चले जाएँ ताकि हम लोगों की अभी शादी ना हो, हम लोग पढ़ाई करें। बस इतनी सी बात थी, हम लोग अपनी मर्जी से चले गए थे, मुंबई चले गए थे और वहाँ पर हमें माहौल अच्छा नहीं लगा तो हम लोगों ने पापा मम्मी को कॉल किया। उसके बाद वो लोग हम लोगों को वहाँ लेने के लिए आए थे, आज तो लेके आए। वो बहुत पहले आते रहते हैं, फोन कहीं से भी आते रहते कंपनियों से, तो हमने मना कर दिया था सीधी सी बात। तो पापा को ऐसा लगा, बिना बताए गए हैं तो पापा को ऐसा लगा होगा कि वहाँ गई हैं, तो इसलिए उन्होंने आप लोगों को ऐसा बता दिया। लापता लेडीज मूवी की तरह ही इस रियल मूवी का क्लाइमेक्स भी अच्छा रहा। अब शादी इन लड़कियों की पढ़ाई में स्पीड ब्रेकर नहीं बनेगी। दमोह में आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बड़ी खबर आ रही है दुर्ग से, जहां 4 मंजिला इमारत में लिफ्ट गिर गई है। लिफ्ट गिरने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शंकराचार्य अस्पताल में उन्हें एडमिट किया गया है। शकुंतला अपार्टमेंट में ये लिफ्ट गिरी है। भिलाई के वैशाली नगर में हादसा हुआ, वैशाली नगर थाना क्षेत्र की घटना है। लेकिन आखिर कैसे, क्यों, क्या तकनीकी खराबी आई, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 4 मंजिला इमारत में लिफ्ट गिरी है और लिफ्ट गिरने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। शंकराचार्य अस्पताल में उन्हें एडमिट भी किया गया है। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, कैसे हुआ यह हादसा, क्या जानकारी? ये है कि एक परिवार जो है वो 4th मंजिल में रहा करता था, उनके यहाँ मेहमान आए हुए थे जो लिफ्ट नीचे जा रहे थे। उसी दौरान लिफ्ट में 4 लोग सवार हुए और वो जब ग्राउंड फ्लोर में जा रहे थे उसी दौरान लिफ्ट का कपलिंग टूट गया और सीधा जो लिफ्ट है वो नीचे आ गिरी है, पार्किंग क्षेत्र में आके गिरी, जिससे जोर से आवाज हुई और इसके साथ ही जो ऊपर में उसमें सवार थे 4 लोग, उसमें से 4 को चोट लगी है लेकिन 2 गंभीर रूप से घायल है, जिनका शंकराचार्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये पूरी घटना कैसी हुई है ये और जांच के बाद में स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन शुरू से ही जिस तरह से अपार्टमेंट में जो मकान बनाए गए थे, जो वहां पर सामान का उपयोग किया गया था, उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे थे।
और यही वजह हो सकती है कि गुणवत्ता विहीन भी लिफ्ट होने की वजह से ये हादसा हुआ होगा। तो फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच करेगी, तो जांच के बाद में और भी कुछ तथ्य सामने आएंगे कि आखिरकार वजह क्या थी। तो फिलहाल जो घायल है उनका इलाज जो है शंकराचार्य अस्पताल भिलाई में जारी है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मिथिलेश। तो चार मंजिला इमारत में ये लिफ्ट गिरी है और यहाँ पर कुछ तकनीकी खामियां और मेंटेनेंस एक बड़ी वजह है। लिफ्ट गिरने से दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, शंकराचार्य अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है। बहुत जरूरी है कि जिस भी जगह आप रहते हैं तो वहां की लिफ्ट का मेंटेनेंस लास्ट कब हुआ है ये जानना, क्योंकि अगर मेंटेनेंस नहीं होता है और अगर तकनीकी खामियां आती हैं तो नुकसान बहुत बड़ा होता है। और ऐसे में यहां पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। अब आपको दिखाते हैं अजब गजब आंदोलन, सड़कों के गड्ढों से निजात पाने के लिए अनोखा आंदोलन किया गया। खबर विस्तार से आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सीहोर में बढ़िया खेड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में बनी मालतोस टोस्ट फैक्ट्री के सड़े गले अवशेष खाकर गायों की मौत का मामला सामने आया है। बजरंग दल ने प्रदर्शन करते हुए प्रबंधन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का आरोप है कि फैक्ट्री में खराब सामग्री से टोस्ट बनाए जा रहे हैं और एक्सपायरी डेट पुराने टोस्ट को फैक्ट्री में आसपास सड़क के किनारे फेंका गया, जिसे खाने के बाद गायों की मौत हो गई है। प्रदीप संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, इंसान नहीं तो जानवर भी नहीं, क्या ऐसा सोच रहे हैं फैक्ट्री के लोग? अगर कोई चीज खराब हो गई है उसे कूड़े में फेंकने के बजाय अगर वो बाहर फेंक रहे हैं तो इस मौत का जिम्मेदार कौन? देखिए, अपने आप में बहुत गंभीर मामला है और ये पूरा ही मामला जो है सरकार के लिए कई तरह के सवाल खड़े करता हुआ दिखाई दे रहा है कि किस तरह औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो इंडस्ट्री एरिया के अंदर इंडस्ट्री सेफ्टी की बात की जाती है, तमाम कारखाना अधिनियम के नियम की बात करती है, उसको धता बता दूंगी प्रबंधन, चूंकि अभी ये नया सेटअप शुरू हो रहा है उद्योग एरिया का, ये मालतोस फैक्ट्री जिस तरह से वो काम कर रही है और सड़क वाले अवशेष को आसपास फेंक रही है, जो आसपास के गाँव की गाय है खा रही है इसको, उसके बाद लगातार अभी तक लगभग 11 गाय की मौत का मामला आया है, जिसे पूरी पुरजोर तरीके से बजरंग दल ने उठाया है और इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन भी गंभीर हुआ है। मौके पर खाद्य विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई करके जो सामग्री दूसरी सामग्री है उसको बनाया है। बहुत शुक्रिया प्रदीप जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात उस आंदोलन की करेंगे जहां सड़कों के गड्ढों से निजात पाने के लिए अनोखा आंदोलन किया गया। आप भी देखिए, बाम लगाए दर्द भगाए। ऐसा अजब गजब आंदोलन आपने पहले न देखा होगा न सुना होगा। अगर सिर चकराए, कमर दर्द करे, पीठ दर्द से निजात पाना है तो बाम लगाइए। ये किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं हो रहा, बल्कि मुसाफिरों को राहत देने के लिए ये तरकीब लगाई गई है। बुरहानपुर के लोनी गांव में लोग जो है वो कमर दर्द और पीठ दर्द से निजात पाने के लिए पेन किलर बाम आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर जो है इनकी शारीरिक पीड़ा जो है वो उसका कारण, मुख्य कारण है ये सड़क, ये जर्जर सड़क जो लोनी गांव में ये सड़क है, ये बुरहानपुर से अंकलेश्वर जाती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तीन राज्यों को ये सड़क जोड़ती है। जर्जर सड़कों की खबर लेने वाला कोई नहीं, गड्ढों को लेकर भी कई बार प्रदर्शन किया गया, गांधीगिरी का तरीका अपनाया गया, लेकिन जिम्मेदारों के कानों पर जू तक नहीं रेंगती तो बुरहानपुर में बाम आंदोलन शुरू कर दिया गया। देखिए, ये झंडू बाम आंदोलन हमने इसको नाम दिया है। कुछ दिनों पहले हमने गुलाब आंदोलन किया था, उस पर केवल आश्वासन मिले, इसलिए झंडू बाम आंदोलन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रोड की हालत कितनी बेहतरीन है और कितनी अच्छी है, नेताओं द्वारा केवल आश्वासन दिया जा रहा है और इस रोड की हालत विगत 15-20 वर्षों से जो कि तो बनी हुई है, आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं हो रही है, रोज बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग गिर रहे हैं, साधनों का नुकसान हो रहा है और लोगों में तरीके तरीके के हाथ पैर दुखने का, पीठ दुखने का बीमारियां लग रही है। इसीलिए हमने झंडू बाम आंदोलन चालू किया है ताकि लोगों को कुछ हम हद तक दर्द से छुटकारा दिला पाए। जो पद पे बैठा है वो जिम्मेदार है, किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, किसी को दर्द हो, हमें उसकी परवाह नहीं, हमको हमारी सड़क बना दे, जो सड़क बनाएगा हम उसको लड्डुओं में, लोनी में, इसी सड़क पर तोलेंगे और नहीं करेंगे तो ऐसे आंदोलन हम करते रहेंगे। अगर ये बाम आंदोलन भी रंग नहीं लाया
तो जिम्मेदारों को जगाने के लिए किया जाएगा लड्डू आंदोलन। आखिर कब ये तस्वीर बदलेगी? बुरहानपुर में गणेश बाविस्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पिछले दो महीने में 11 छोटे बड़े रेल हादसों के बीच यूपी से एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में रील बनाने के चक्कर में रेल ट्रैक पर ऐसी चीजें रखी जा रही हैं जिससे तेज रफ्तार में रेल के पलटने का भी खतरा है। ऐसे ही गुलजार शेख नाम के एक यूट्यूबर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो ट्रेन के सामने कभी पत्थर, साइकिल, सिलेंडर रखता था। देखिए, रेलवे ट्रैक पर साइकिल, कभी रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर, कभी रेलवे ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर। और कभी जिंदा मुर्गा। ट्रेन में बैठे हजारों लोगों की जान खतरे में डालकर ये सारी करतूत सिर्फ इसीलिए ताकि YouTube पर चंद व्यूज मिल जाएं। लेकिन इसी रील की वजह से आरोपी गुलजार शेख रियल जेल पहुंच चुका है। यूपी के प्रयागराज पुलिस ने रेलवे ट्रैक पर अलग अलग चीजें रखकर वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर गुलजार शेख को गिरफ्तार कर लिया है। खास बात ये है कि यूपी पुलिस को इसकी खतरनाक हरकतों की जानकारी भी सोशल मीडिया के जरिए ही मिली थी। एक ट्वीट के माध्यम से प्रकरण संज्ञान में आए हैं जिसमें गुलजार शेख नामक व्यक्ति अपने यूट्यूब चैनल पे रेलवे ट्रैक पर विभिन्न वस्तुएं रखकर वीडियो अपलोड करता था। इस व्यक्ति के विरुद्ध में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है 233/24। थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर रेलवे सुरक्षा बल को सुपुर्द किया गया है। वह इसके विरोध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गुलजार शेख की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि वो रेलवे ट्रैक पर ये खतरनाक हरकतें लंबे वक्त से कर रहा है। उसकी ऐसी हरकतों से ना सिर्फ ट्रेन हादसों की संभावना थी बल्कि इसकी शैतानी से दूसरे लोगों के प्रेरित होने का भी खतरा था। बीजेपी ने कहा कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि कहीं ये रेल ट्रैक को उड़ाने की साजिश तो नहीं थी। राजधानी भोपाल में बदमाश मस्त हैं और पुलिस पस्त है। बैक ऑफ बदमाश ने 16 साल के छात्र की पेचकस मारकर हत्या कर दी। पूरा मामला इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एक एक कर इन तीनों तस्वीरों को देखिए। बेखौफ बदमाशों की गवाही देती ये तस्वीरें हैं राजधानी भोपाल की। भोपाल में पुलिस का कितना खौफ है बदमाशों को ये आप समझ सकते हैं। सबसे ताजा तस्वीर दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात की है। भोपाल के किलनदेव टॉवर चौराहे पर 5.5 लाख रुपए की लूट हुई, वो भी कुछ ही मिनटों में। सुनिए फरियादी की जुबानी, आखिर हुआ क्या था। कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि मैं बैंक पहली बार गया हूँ, ऐसा कोई रेगुलर जाता भी नहीं हूँ बैंक। कोई काम था, काम के पैसे थे, काम विड्रॉ किया। जैसे ही विड्रॉ किया और मैं निकला बैंक से बाहर, वो लोग पता नहीं कब आए, पीछे कैसे आए, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। ये इसी रोड पे थोड़ा सा आगे, वहां से जैसे ही आ रहा था मैं यहाँ पे आके उन्होंने एक्टिवा पीछे से ठोकी और पैसे लेके भाग गए। किरणदेव टॉवर चौराहे पर ये लड़का बैंक से रुपए निकाल कर जा रहा था, तभी उस पर पीछे से हमला हुआ। नकाबपोश बदमाश रुपए से भरा बैग छीन कर फरार हो गए। अब जरा एक और तस्वीर देखिए। सरे राह सरे आम कैसे इस लड़के पर ये बदमाश कहर बरसा रहे थे। चलता फिरता इलाका,
गाड़ियां आ जा रही थी, लोग भी निकल रहे हैं और इस बीच बदमाशों की थर्ड डिग्री जारी है। सीसीटीवी में कैद हुई थी कहर की ये तस्वीर, भोपाल में बदमाशों के आतंक की तस्वीर। करीब 6 से 7 बेखौफ अपराधी इस शख्स पर कहर बरपा रहे हैं, कोई मुक्का मार रहा है तो इस बदमाश के हाथ रुक ही नहीं रहे, डंडे बरसाए जा रहे हैं, वो भी एक के बाद एक। ना तो इस बेबस शख्स की दलील काम आ रही है और ना ही इसकी गिड़गिड़ाहट पर कोई तरस खा रहा है। और अब तीसरी तस्वीर, बदमाश तमंचा लहरा रहा है, नशे की हालत में तमंचा लहरा रहे इस बदमाश का वीडियो वायरल हुआ, 10 नंबर मार्केट के पास का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो फिर से इन तीनों तस्वीरों को देख लीजिए जो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दिल्ली आशा किरण शेल्टर होम में बड़ी खबर है, जहां पर बच्चों को सिर्फ आधा ही खाना दिया जाता है। दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए, लेकिन 14 मौतों पर अब दिल्ली के एलजी भी एक्शन मोड में आ गए हैं। इस पूरे मामले पर एलजी ने साफ किया है कि एक सप्ताह के भीतर जिम्मेदार तय की जाए और यहां के व्यवस्थापक के खिलाफ तुरंत कार्रवाई शुरू की जाए। एलजी का कहना है कि ऐसे सभी शेल्टर होम की जांच की जाए। एलजी ने यह भी कहा कि जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उनके रिश्तेदारों से संपर्क किया जाए और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। जहां बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देनी थी वो उनके लिए डेथ चैम्बर बन गया। मेरे माने से ये सीधे सीधे एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला है। आशा किरण में मौत का अंधेरा फैलाने वाले अपराधी कौन? आम आदमी पार्टी की सरकार ये कितनी जाने लेगी इस दिल्ली में? 14 मासूमों की मौत का मुजरिम कौन? कौन जिम्मेदार? कंसर्न मिनिस्टर उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जो भी दोषी है उसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी हमारे पास पावर है हम सारे पावर का उपयोग करके किसी को छोड़ेंगे नहीं। देश की राजधानी दिल्ली, जिसे वर्ल्ड क्लास बनाने का दावा किया जा रहा था, वहां 30 दिन में 14 मासूम बच्चों की जान चली गई। इससे ज्यादा शर्मनाक घटना और क्या हो सकती है? ये शेल्टर होम दिल्ली के रोहिणी में चलाया जा रहा है, जिसे चलाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। बताया जा रहा है कि इस साल जनवरी से जून तक 14 मौतें हुई हैं, लेकिन जुलाई में महीने में 20 दिन के भीतर ही 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतनी मौतों के बाद हंगामा हुआ तो दिल्ली सरकार ने जांच के आदेश दिए। वहां पर 980 लोग रहते हैं और उनकी देखरेख के लिए, जैसे मैंने कहा, 450 केयर गिवर्स हैं जो 3 शिफ्ट में काम करते हैं। एक 24/7 मेडिकल केयर यूनिट है जिसमें 6 डॉक्टर 17 नर्सेस हैं। इसके अलावा वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, उसके अलावा वहां पर सफाई कर्मचारी, खाना बनाने वाले, काफी बड़ा स्टाफ वहां पे आशा किरण जो हमारा होम फॉर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्संस है। मुझे लगता है कि अभी ये कहना कि प्राथमिक तौर पर क्या कारण है ये उचित नहीं होगा। ये इसलिए उचित नहीं होगा क्योंकि जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आती है हमें भी किसी प्रकार की अफवाह में विश्वास करना और अफवाह फैलाने पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं आतिशी जी से पूछना चाहता हूं कि इसके पहले भी आशा किरण के इस संस्थानों में बच्चे मरे हैं, उनके जांच का रिपोर्ट कहाँ है? ये आप हर बार जांच कह देना, उसके बाद रिपोर्ट आती है क्या? आग लगे हुए सारे रिपोर्ट जांच के कहाँ हैं? मैं समझता हूँ ये लोग आतिशी जी संवेदनहीनता को पार कर गई हैं और इन लोगों को हर बात में टालने वाली प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, जो दिल्ली के लिए बहुत ही जानलेवा है। शेल्टर होम में मौत पर दिल्ली कांग्रेस बीजेपी दोनों ही हमलावर हैं। दिल्ली महिला कांग्रेस की टीम भी शेल्टर होम पहुंची तो बीजेपी की टीम ने शेल्टर होम पहुंचकर वहां के हालात देखे। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी तब भी इस शेल्टर होम में 2 महीने में 11 रहस्यमयी मौतें हुई थी।
मेरे माने से ये सीधे सीधे एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला है, बहुत बड़ी लापरवाही करी गई है। और जो डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे, उन्होंने बार बार लड़कियों की रिपोर्ट्स में लिखा है कि मैल न्यूट्रिशन तक हुआ है। दो लड़कियां हैं, गीता और श्रुति, उनकी फाइल्स में साफ लिखा हुआ है कि मैल न्यूट्रिशन की वो शिकार थी। यहाँ तक कि जब डॉक्टर से बात करी गई है तो उन्होंने बताया है कि 30% लोग, जो 1000 लोग यहाँ रह रहे हैं, उनमें से 30% के करीब लोग मैल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, उनके BMI 18 से कम है। मौत क्यों हुई, इसे लेकर बताया जा रहा है कि यहाँ साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा था। आशा किरण के CMO अशोक कुमार ने कहा कि खाने की क्वालिटी सही नहीं थी। ये शेल्टर होम 500 लोगों की कैपेसिटी का है, जबकि अंदर 900 से ज्यादा लोगों को रखा गया। दिल्ली सरकार ने बहुत साल तक ये सब ढकोसला किया है कि हम महिलाओं की हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो शेल्टर होम हो, नाइट शेल्टर होम हो, सब जगह प्रॉब्लम दिखाई दे रही है और हम उनका प्रॉपर ऑडिट कर रहे हैं। जिस घटना पर देश का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए, उस पर सियासत शुरू हो चुकी है। BJP ने शेल्टर होम में मौत के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया तो आम आदमी पार्टी भड़क गई। शेल्टर होम का मामला लोकसभा तक गूंजा है। लोकसभा में BJP सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने शेल्टर होम का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जाँच होनी चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।